Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the second topic of cardiac pathology, that is pericardial effusion. Pericardial effusion actually kya hota hai? Pericardial sac ke andar fluid ka accumulation. Pericardial effusion kya hai? Accumulation of the fluid in the pericardial sac. और ऐसा क्यों हो जाता है? ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द एच पी एंड ओ पी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो जाता है. हालांकि नॉर्मल फ्लूड पाया जाता है इस सैक के अंदर, पर अगर वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूड, फ्लूड अगर एबनॉर्मल अमाउंट में पाया जाता है या एबनॉर्मल करेक्टर का फ्लूड पाया जाता है पेरिकार्डियल स्पेस में, तो उसको पेरिकार्डियल फ्यूजन कहते हैं. लगभग इसमें 15 से 50 ml फ्लूड नॉर्मली पाया जाता है और ज़्यादा हो जाता है उसको फ्यूजन कह देते हैं. कार्डियक टेम्पोनेड एक एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन है जिसमें हार्ट कंप्रेस हो जाता है इस इफ्यूज़न की वजह से. अगर ये इफ्यूज़न बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है तो उसे हार्ट बेचारा कंप्रेस हो जाता है और एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन अराइज हो जाती है, उसको कार्डियक टेम्पोनेड कहते हैं. ये देखिए, ये नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है जिसके चारों तरफ पेरिकार्डियल लेयर है एकदम पतली सी, पर यहाँ फूली हुई दिखाई दे रही है दूसरे डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पर फ्लूड जो है वो बिल्डअप हो गया है. इसको अपन पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं. बेचारा हार्ट इसे दब जाता है. पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकली मैनिफेस्टेशंस देखें तो ये हाईली डिपेंडेंट है कि फ्लूड का एक्यूमुलेशन पेरिकार्डियल सैक में किस रेट से हो रहा है, कितना तेज़ी से हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी. पेरिकार्डियल इफ्यूजन से पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ता है जिससे कि वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर ओवरकम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम डिप्रेस होता है, कार्डियक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन से पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर ओवरकम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा. ये पैथोफिजियोलॉजी है. अब क्यों हो जाता है कारण? तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से नियोप्लास्टिक कंडीशन, नियोप्लाज्म हो जाए, यूरेमिया हो जाए, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाए, कनेक्टिव टिश्यू कोई डिजीज हो जाए पोस्ट ऑपरेशन के बाद में, या दूसरी कंडीशन ऑटो इम्यून डिजीज़ या कुछ ड्रग्स भी हो सकती है. पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन जो किसी इन्फेक्शन की वजह से अननोन कारण से हो सकता है. नियोप्लाज्म बाई लंग की वजह से भी हो सकता है 37%, ब्रेस्ट कैंसर 22%, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, लिम्फोमा यानी लिम्फ का कैंसर 17% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है. यूरीमिया, यूरिया का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है. हाइपोथायरॉइडिज्म, थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा. कनेक्टिव टिश्यू की कोई डिजीज़ हो जाए ऑपरेशन के बाद में, अदर्स में मिक्सोडीमा हो जाए, सीवियर पल्मोनरी बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ऑटो इम्यून में SLE डिसऑर्डर है, सिस्टमिक ल्यूपस राइथोमेटोसिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं. इसके अलावा ड्रग्स जैसे कि प्रोकेनामाइड, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड, मिनोक्सिडिल, फिनाइटोइन जैसे ड्रग्स या कुछ एंटीकोगुलेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जैसे ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसी में होगा तो उसमें सीने में दर्द होना स्टार्ट होएगा जो कि बैठने पर ठीक हो जाएगा. लीनिंग फॉरवर्ड और लाइंग सुपाइन कंडीशन में ये एग्रावेट हो जाता है. लाइट हेडनेस और सिंकोप दिखाई देने लगेगा, सिर के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं. पैल्पिटेशन महसूस होएगा आपको, खांसी रहने लगेगी, सांस लेने में दर्द आए तकलीफ होएगी और हुआर्सनेस, वॉइस ख़राब हो जाती है. एंग्जाइटी जिसमें हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे, पर्सनल कंफ्यूजन रहने लगेगा और हिकअप्स, हिचकियाँ आनी भी शुरू हो सकती है. इसको एग्जामिन कैसे करें भाई? बैक ट्रायड 3Ds दिखाई देंगे जिसमें डिक्रीज पल्स प्रेशर, डिक्रीज हार्ट साउंड और डिस्टेंडेड नेक वेन दिखाई देगा. डिक्रीज पल्स प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन से जुड़ी हुई है ये कंडीशन. हार्ट साउंड या तो डिक्रीज या मफल जो आपको साफ सुनाई नहीं देगा, और डिस्टेंडेड नेक वेन
JVP रेज हो जाती है। इसका पल्सस पैराडॉक्सस दिखाई देगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब दिखाई दे सकता है। ये दो नाम अगर आप पॉइंट नहीं भी लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर के 3Ds लिख दीजिए। इसके अलावा टैकीकार्डिया टैकेपनिया लिख दीजिए कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस भी तेज हो जाएगी, पेरिफेरल पल्स वीक हो जाएगी, शरीर नीला पड़ जाएगा, एडिमा हो जाएगा। एवर्ट साइड परक्यूजन पे आपको डलनेस दिखाई देगा, अगर आप लेफ्ट स्कैप्यूला के एंगल के नीचे आप देख रहे हो तो, लेफ्ट लंग के कंप्रेशन से, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन से लेफ्ट लंग कंप्रेस हो जाता है जिससे ऐसा दिखाई दे रहा होता है, तो परक्यूजन में डलनेस दिखाई देगी। अब ये कार्डियक टेम्पोनेड बताया गया है, डायग्राम को देखिए, खुद को समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। और ये फिर दिखाया गया एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है पेरिकार्डियल सैक के अंदर हो गया, जिससे कि डायस्टॉलिक फीलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है और कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको इंजेक्शन दिखाए गए कि ऐसी कंडीशन में अपन को फ्लूड जो है वो थोड़ा सा एस्पायरेट करवाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा हाइपोटेंशन पर्सन में दिखाई देगा, डिस्टेंडेड नेक वेन डिस्टेंड हो गई है, JVD। इन्वेस्टिगेशन में बेस लाइन में आप CBC करवा सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हो, कार्डिक एंजाइम्स ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन आप देख सकते हो। पेरिकार्डियोसेंटेसिस को डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक काम में ले सकते हो। पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब, पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है, ये जो आपको दिखाया गया है सिरिंज के थ्रू अपन पेरिकार्डियल जो फ्लूड है उसको बाहर ले रहे हैं, तो ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहलाता है, रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड। क्यों निकाल रहे हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी निकाल सकते हो आप और थेरापेटिक लिए भी, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी यही है कि भाई ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल लीजिए, और डायग्नोस तो उसको निकाल करके अपन डायग्नोस करेंगे। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्लूइड को एनालाइज कर सकते हो आप, थायराइड प्रोफाइल देख सकते हो, रूमेटॉइड फैक्टर देख सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, चेस्ट की रेडियोग्राफी करवा सकते हो, CT स्कैन और MRI भी करवा सकते हैं आप। ये वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, ऐसा जैसे कोई वाटर बॉटल बन गया है, ये चेस्ट एक्सरे में ऐसा दिखाई देगा आपको। इको करवा सकते हो, तो देखिए इफ्यूज़न, इको फ्री स्पेस और लोकेशन, स्मॉल 10 मिलीमीटर से कम तो पोस्टल दिखाई देगा, मीडियम 10 से 20 मिलीमीटर सरकमफेरेंशियल दिखाई देगा, और लार्ज 20 मिलीमीटर से ज़्यादा सरकमफेरेंशियल। फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग भी आ सकती है अगर प्लूरल इफ्यूज़न साथ में है, या पेरिकार्डियल की थिकनिंग हो गई है, या एपिकार्डियल फैट टिश्यू बढ़ चुका है, या मीडिया स्टीनल लेजन्स बने हुए हैं, तो हो सकता है ये इको के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ना दिखाई दे, फॉल्स पॉजिटिव आपको फाइंडिंग दिखाई दे। फिर ECG में लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस दिखाई आपको दे सकते हैं। ये ECG इवोल्यूशन के स्टेज देखिए, 1 से 2 हफ्ते में PR सेगमेंट डिप्रेस, ST सेगमेंट एलिवेटेड पर डिफ्यूज टाइप का, और T वेव अपराइट दिखाई देगी। 2 से 3 वीक में आइसोइलेक्ट्रिक PR सेगमेंट, ST सेगमेंट भी आइसोइलेक्ट्रिक है, जबकि T वेव एकदम फ्लैट या अपराइट है, फ्लैट अपराइट है। 3rd से सेवरल वीक तक आइसोइलेक्ट्रिक कंडीशन हो सकती है और T वेव इन्वर्टेड हो सकती है। 4th से सेवरल वीक ऑनवर्ड जो है दोनों कंडीशन आइसोइलेक्ट्रिक है, पट्टी वे वापस अपराइट हो सकती है। बस इसके साथ में पेरिकार्डियल इफ्यूजन आपका कंप्लीट।